हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी की लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, जहां पे 10th 12th एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज अ फ्रेशर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके आपको बताने ही वाली हूँ। इसी के साथ साथ कौन कौन से अपडेट आए हुए हैं, किस तरीके से आपके यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें ब्रीफ में कवर करने वाले हैं। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज ऑलरेडी आउट कर दी गई हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन, सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे ना, तो आपको फर्स्ट नंबर पे हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी और ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। इससे क्या होगा, आपको वहाँ पर अपने लोकेशन वाइज और अपनी क्वालिफिकेशन वाइज डायरेक्टली वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं और वहीं से सिंगल क्लिक करके इन्फो लेके आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए ज़्यादा टाइम लेते हैं, बात करेंगे पीएनबी की आई हुई लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, किस तरीके से अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, वो आपको सीधा इनकी ऑफिशियल साइट पर चल के बताऊँगी। क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, कौन सा ये पोस्ट का अपडेट आया है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। और आप किस लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने क्वालिफिकेशन के साथ कमेंट जरूर करना, ताकि आपके नियर बाय जो भी वैकेंसीज है जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कवर कर पाए। चलिए ज़्यादा टाइम लेते हैं, बात करेंगे पीएनबी की लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन आ चुका है पीएनबी की तरफ से, जहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल है और दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई एज की बाउंडेशन नहीं है, आपकी एज मिनिमम 18 है आप अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम की भी अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी एज अप टू 45 भी है तब भी आप इन अपडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एज अ फ्रेशर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे हर कोई आप में से एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकते हैं। आगे बताऊँगी कि इस तरीके से एज सुन एज पॉसिबल आपको इन अपडेट के लिए अप्लाई कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लियरली डिस्क्राइब किया, देखिए ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा स्क्रोल डाउन करके अदर डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। एज मैंने ऑलरेडी आपको बताई है मिनिमम 18, मैक्सिमम आपकी जितनी भी एज है आप अप्लाई कीजिए, 45 या 50 है हर कोई अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं की है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, चाहे 10th पास है, इसी के साथ 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा कैंडिडेट, इसी के साथ साथ आईटीआई वाले कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एज अ फ्रेशर आपकी ये हायरिंग है, एज अ फ्रेशर आपको यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा गया है। आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, फ्रेशर है, कोई प्रोफेशनल है, हर कोई अप्लाई यहाँ कर सकता है। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर एडवाइज़र के लिए वैकेंसीज हैं, सीधा इनके साइट पर सारी चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। यहाँ पर 24 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स भी साथ साथ मिल रहा है, बताऊँ किस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ से चीज़ें रीड कर सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे अगर सिलेक्शन की बात करें, कैसे इसमें आपकी सिलेक्शन जो है वो होने वाली है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पे देखिए आपके इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होने वाली है। लास्ट में देखिए ये आपको लिंक मिल जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन का, ये नोटिफिकेशन का है। यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसी 23 की आप यहाँ चेक कर सकते हैं, एक सिंगल क्लिक पर ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज इस मंथ की हैं वो आउट हो चुकी हैं, उसको आप चेक कर पाएंगे। सबसे पहले पीएनबी के लिए देखिए फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कीजिए, चाहे सेकंड लिंक पे आप क्लिक कीजिए, दोनों पे क्लिक करके सेम वेबसाइट ओपन होने वाली है, वहीं पे इन्होंने नोटिफिकेशन डिटेल अपनी वो अपडेट की हुई है, दिखा देती हूँ किस तरीके से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है अप्लाई के लिए, क्लिक करके हम आ जाएंगे इनकी सीधा ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली डिस्क्राइब किया, हाउ वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, यहाँ पे अप्लाई नाउ टू बी एन एजेंट, एलिजिबिलिटी मेंशन किया, वर्क प्रोफाइल मेंशन किया, टेस्टिमोनियल्स में आप चीज़ें रीड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ इसमें अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है।
24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स आने वाला है और आप यहाँ पे अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। पहले अप्लाई का बताती हूँ, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी में और वर्क प्रोफाइल में जाते हैं। पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे अप्लाई करने के लिए। तो जैसे हमने इस ऑप्शन पे पहले सबसे पहले क्लिक किया, आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्लिक करने पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ज्वाइन एस एन एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो फील्ड्स है ये आपको सबसे पहले मेंशन करना होगा। सबसे पहले आपका नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे आप मेंशन करेंगे यहाँ पे आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, वो ओटीपी आप यहाँ मेंशन कर देना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी होगी इस ऑप्शन पे क्लिक करके, ईमेल आईडी, पिन कोड यहाँ पे मेंशन करना है जो आपका एरिया पिन कोड है। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि हमें पिन कोड नहीं पता। पिन कोड होता है कि जो आपका एरिया पिन कोड है, ठीक है, वो आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। आपको यहाँ पे कॉल रिसीव होने वाली है विद इन 24 आवर्स, ठीक है। आपको बताया जाएगा इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या क्या वर्क आपका इसमें रहने वाला है, किस तरीके से आप इसमें वर्क कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें इनकी टीम की तरफ से आपको बताई जाएगी। इनकी टीम की तरफ से आपके यहाँ पे 24/7 आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, वो आपको प्रोवाइड किया ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बैक ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे वर्क प्रोफाइल इन्होंने मेंशन किया एलिजिबिलिटी में, यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। क्वालिफिकेशन तो मेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर कोई क्वालिफिकेशन वाली कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, हर कोई आप में से अप्लाई कर पाएगा। किसी के साथ कोई एज की बाउंडेशन भी नहीं है। तो यहाँ पे हम वर्क प्रोफाइल पे सीधा क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ इस ऑप्शन पे क्रॉस कर देना है। यहाँ पे वर्क प्रोफाइल में आप सारी चीज़ें रीड कर पाएंगे। जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं एज अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, क्या क्या आपका जो है प्रोफाइल में इंक्लूडेड रहेगा वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने मैंशन किया जो मेन आपको बताऊँगी मैं, ठीक है, जो इनके प्रोस्पेक्ट होते हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। डोंट वरी, आप यहाँ से डर मत जाना, सारी ट्रेनिंग आपको दी जाने वाली है, उनकी तरफ से सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके सामने पर्सन है या जो मैं बोलूँ क्लाइंट है, ठीक है, उनके जो नीड्स है उनको आपको डिटरमिन करना होगा। इसके अलावा सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, राइट सोल्यूशन आपको उनको ऑफर करना होगा। इसके अलावा आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेफरेंस है वो कलेक्ट करने होंगे, जो आपके क्लाइंट है उनसे भी, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनसे ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, बीइंग डिसिप्लिन्ड, उसके बाद सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है। करियर स्किल ट्रेनिंग में आपको यहाँ सारा चीज़ें बताई जाने वाली हैं, तो यहाँ पे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो जो स्टेप मैंने आपको बताई है उन स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है। कोई अदर प्रोसीजर नहीं है अप्लाई करने का, जिस तरीके से बताया वैसे ही अप्लाई करना है। आपका कोई भी डाउट है इस अपडेट को लेकर कमेंट ज़रूर करना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगी, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आप खुद भी मोटिवेटेड, खुद भी आपके पहले डाउट क्लियर होने चाहिए। तो कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।